हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग बनाने के लिए सीखेंगे। कौन सा? बहुपद का भाग। आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। ध्यान दिया, एक्स माइनस एक भागा तीन एक्स पर पावर चार माइनस चार एक्स पर पावर तीन माइनस तीन एक्स माइनस एक। अब इसको हम भाग देते हैं, तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका है कि किसी भी हाल में ये जो पहला पद होगा, ये पहला पद जो कितना है, तीन एक्स पर पावर फोर, किसी भी हाल में इसको गुणा करें चाहे भाग करें, किसी भी हाल में पहला पद कटना चाहिए। तो पहला पद कटना चाहिए, तो हम कितना से गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कितना से गुणा करेंगे। तो पहले तीन है तो हम तीन लिख दिए, ठीक है? उसके बाद एक्स पर पावर चार है तो हम यहाँ पर एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर कितना रखेंगे जो हमको तीन पूरे, क्योंकि ए पर पावर एक है वे किया, तो आई पर बाबू हम तीन रखेंगे। कितना रखेंगे? तीन रखेंगे। तीन रखेंगे तो आई पर पावर एक, आई पर पावर तीन, तो चार पुर गया बाबू, बिल्कुल पुर गया। तो इसलिए हम रहा हम तीन एक्स पर पावर चार, ठीक है? उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। उसके बाद ये एक गुना तीन पर एक्स पर पावर तीन एक्स क्यूब, तीन एक्स क्यू लिख दिए, ठीक है? अब इसका एक नियम क्या होता है बाबू, कि किसी भी हाल में जो है ये जो है पहला पद कट गया, ये कट गया, लेकिन चिन्ह परिवर्तन होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पर पावर तीन माइनस तीन एक्स माइनस वन। कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको कितना पुराना है बाबू, तीन एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू पुराना है, कितना, माइनस एक्स क्यू पुराना है, तो हम कितना से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, तो यह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो ये माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, लेकिन क्या है, ये प्लस है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे बाबू, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, तो स्क्वायर लिखेंगे पर दो गो आई पर एक गो, तो हो जाएगा कितना, तीन गो, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस एक्स पर पावर तीन, ये माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस, अब उसके बाद एक गुना करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर। अब घटाएंगे, अब घटाएंगे क्या, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा खत्म, यानी कट जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस वन, ठीक है यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो हम सबसे पहले यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दिए, क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह। अब स्क्वायर पुराना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स दे देंगे, क्या दे दिए हम, एक्स दे दिए, आई पर पावर एक, आई पर पावर एक तो दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस एक्स, हो जाएगा यहाँ पर एक्स, चिन्ह परिवर्तन प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस चार, चार एक्स माइनस एक, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, हमको कितना पुराना है, चार, तो हम यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, तो हमको चार पड़ेगा तो हम माइनस यहाँ पर रखेंगे चार, कितना बाबू, माइनस चार रखेंगे तो माइनस प्लस गुना माइनस तो हो जाएगा माइनस, चार गुना एक्स करेंगे, यानी चार गुना एक्स करेंगे चाहे एक्स गुना चार करेंगे तो हो जाएगा चार एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा चार एक्स हो गया। उसके बाद ये माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस, एक में चार से गुना करेंगे तो हो जाएगा चार, यहाँ हो जाएगा चार, ठीक है? अब देखो चिन्ह परिवर्तन क्या बाबू, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस पाँच, तो ये हो जाएगा आपका शेष बच जाता है, ये क्या होता बाबू, शेष बच गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।